नमस्कार दोस्तों, आज देश के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा है हम। मैं बात कर रहा हूँ देश में लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतों की वृद्धि हो रही है और बड़े रोचक पैटर्न्स हैं। ये जो पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आप सबकी जानकारी में है कि कर्नाटक चुनाव जब तक चल रहे थे तो 20 दिन तक लगातार, वो एक सेगमेंट है 20 दिनों का, जिसके दौरान पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि नहीं हुई और जैसे ही चुनाव खत्म हुए पहली फुर्सत में दूसरा काम, पहला काम तो कर नहीं पाए, दूसरा काम 2 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि माननीय मोदी जी जहां हर बात में अपने नसीब का हवाला देके क्रेडिट लूटते हुए नजर आते थे, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जाने के बावजूद देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि का क्रेडिट लेने से माननीय मोदी जी कतरा रहे हैं। आप सबकी जानकारी में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के महीने के आसपास से ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम जो है घटने शुरू हो गए, आप सबकी जानकारी में, और तब से लेके आज तक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जहां डाउन जाती हैं, हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। आप सवाल पूछते हैं, कोई जवाब देने वाला सामने नहीं आता है। मैं बताना चाहूंगा कि पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है नवंबर 2014 से लेकर के जनवरी 2016 तक 9 बार बढ़ाई जा चुकी है, 9 बार। क्या जरूरत थी जनता की जेब काट कर, जनता के खून पसीने की कमाई लूट कर अपना खजाना भरने की? मई 2014 में पेट्रोल के ऊपर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर थी। आज क्या है, आज 9 रुपए 20 पैसे को लगभग 212% बढ़ाकर 19 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। ये हालत है मई 2014 से आज में, इतना बड़ा फर्क, 212% आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दी, 19 रुपए 48 पैसे। साथ ही साथ डीजल की अगर हम बात करें, माननीय मोदी जी की सरकार बनने के वक्त 3 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और आज इसे 443% लगभग 450% बढ़ाकर 15 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया। इतना भारी इजाफा हुआ है, इतनी भारी मूल्य वृद्धि की गई है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है नीचे जा रहे हैं। कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है और कोई योजना भी नहीं है। हम और आप सब जानते हैं कि एक बार पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि होती है तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट कितना खतरनाक होता है। आपके घर का बजट बढ़ जाता है, मार्केट से चलकर आपके किचन में सब्जियां जो पहुंचती हैं उनका दाम बढ़ जाता है,
माल की ढुलाई बढ़ने से इसका असर हर प्रोडक्ट पर पड़ता है, ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। तो विपक्ष में रहकर जो राग भारतीय जनता पार्टी आलापा करती थी आज सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? कोई शोर क्यों नहीं मचा रहा है? हम भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं भाजपा से कि ये जो मूल्य वृद्धि की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के गिरने के बावजूद, आप किसी न किसी को तो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आप 2019 के चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। कोई तो है जो आपकी आर्थिक रीढ़ बनेगा आने वाले वक्त में, देश वो नाम जानना चाहता है। आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए लगातार देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि करते जा रहे हैं। ये नाम बताइए, आप किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? दूसरा सवाल हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम घट रहे हैं तो वे कौन से ऐसे तर्क हैं आपके पास सिवाय इसके कि इंटरनेशनल मार्केट प्राइस आप कंट्रोल नहीं करते? ये रोना रोना बंद कर दीजिए आप, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई होती तो कर्नाटक चुनाव के पहले भी इसका असर देखने को मिलता। तो भी कौन से ऐसे तर्क हैं आपके पास जिससे कि आप इस मूल्य वृद्धि को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइसेस डाउन जा रहे हैं लेकिन हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम माननीय मोदी जी से, केंद्र की सरकार से जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में पेट्रोलियम पदार्थ ऑल टाइम हाईएस्ट है और ये जो प्राइस राइज है बड़ा शर्मनाक है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आपके आसपास के जो कुछ एक राज्य हैं, देश हैं, श्रीलंका चले जाइए, बांग्लादेश जाइए, म्यांमार जाइए, चाइना जाइए, नेपाल जाइए, अपने दुश्मन देश जाइए आप, जहां से कहा तो आपने था कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे लेकिन आप चीनी लेके आ रहे हैं, वहां जाके देखिए 51 रुपए पेट्रोल है वहां, श्रीलंका में 59 रुपए, थाईलैंड में 59 रुपए, म्यांमार में 43 रुपए, चाइना में 76 रुपए, नेपाल में बता रहा हूं मैं, जिसके आप दुश्मन बने बैठे हैं अपने सफल विदेश नीति की वजह से, वहां भी 68 रुपए है। भूटान जैसे देश में भी 52 रुपए है पेट्रोल की कीमत। हमारे यहां सलाम करते हैं आपको, आपने अपनी कड़ी मेहनत से पेट्रोल को 40 रुपए तक लेके आ गए, आधे लीटर का, 1 लीटर का नहीं, आधे लीटर का 40 रुपए। तो हम जानना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आपके पास कौन सी रणनीति है, कौन सी योजना है जिसका आप सदुपयोग दुरुपयोग करके कुछ भी करके देश को राहत चाहिए, देश को महंगाई से निजात चाहिए, महंगाई के नाम पर हर दूसरे दिन सड़क की खाक छानते थे आप लोग। देश आपसे जानना चाहता है कि इस समस्या का आपके पास निदान क्या है, समाधान क्या है। और आखिरी सवाल कि चूंकि आप अक्सर कहते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों पे क्रूड ऑयल के कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के आप कब तक देश की जनता को लूटते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे? कोई ऐसी विधि है आपके पास, कोई ऐसी पद्धति है
कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस राइजेस होते हैं उससे डिटैच रह के आप अपने देश को राहत दे सके, देशवासियों को महंगाई से निजात दिला सके, ऐसी कोई योजना आपके पास है कि नहीं? ये भी हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से जानना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी लगातार हो रही पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ है, इसकी निंदा करती है और निवेदन करती है कि आपने ये जो होर्डिंग लगवाई थी, आप सब लोगों को याद होगी, होर्डिंग याद है आप लोगों को? होर्डिंग बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार 80 के पार, ये लिखा हुआ नहीं, अब की बार मोदी सरकार लिखा हुआ। तो ये अब की बार 80 के पार ये रुकेगा कब? ये जुमले सुना सुना के आपने देश की जनता को उल्लू बनाया है। आम आदमी पार्टी इस पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि की निंदा करती है, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इसके खिलाफ होगा, हमारा विधायक इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ है, देश की दिल्ली की जनता के हितों को हम चाहेंगे कि आप ध्यान में रखें और पेट्रोलियम पदार्थों की जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है इस पर आप नकेल कसे या फिर एक बार फिर से बताएं कि यह भी एक जुमला था, झूठा वायदा था, और झूठे वायदे के लिए, इस झूठे वायदे के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चूंकि उन्होंने ही वोट मांगा था, कहा था कहीं भी बटन दबाओ वोट मुझे आएगा, तो वो देश की जनता के सामने आके माफी मांगे, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है।